हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है डे 11 ऑफ 30 डेज ऑफ मेकअप चैलेंज। जी हाँ, एंड टाइटल और थंबनेल देख के आपने आप यहाँ पे आए हो, आई नो। तो आज है पॉप ऑफ मेकअप, यू नो द पॉप ऑफ मेकअप। तो जी हाँ, पॉप हो रहा है इसलिए हम लोगों ने ऐसा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। एंड आज हम लोग देखेंगे कि मैंने ये कैसे कि पॉप को कैसे हाईलाइट किया है इतना कि ये इतना उठ के दिख रहा है। एंड गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी, ये मत बोलना कि आप एक ही कपड़ों में बार बार आ रही है यार, 30 डेज ऑफ मेकअप चैलेंज कर रही हो, कुछ तो टाइम कर लो। आई मीन लाइक मैं कितने मुश्किल से, यू नो लाइक कितना मेहनत करके कंटेंट बना रही हूँ, तो अब 30 डेज ऑफ क्लॉथ चैलेंज कहाँ से लाऊं मैं यार, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए प्लीज़ स्टे विथ मी एंड थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और एडवांस में थैंक यू सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। भूलना मत कि मेरा गिव अवे चालू है 30 डेज ऑफ मेकअप चैलेंज को लेके। तो आपको 30 डेज जो है रोज़ वीडियो देखनी पड़ेगी, लाइक करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें आपको बाकी सारे रूल्स भी पता चल जाएंगे। ज़्यादा ब्लैबरिंग नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रॉमिस, दो दिन पहले एक बेस मेकअप मैंने ऑलरेडी कर लिया था, अब आई मेकअप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कंसीलर लेके ब्लेंड कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने बहुत थोड़ा सा अमाउंट में लिया है कंसीलर एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट। उसके बाद हम लोग एक लूज पाउडर लेंगे और सेट कर देंगे। मुझे ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई हैव ऑयली लिड्स, तो येस। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यू नो ये नियॉन कलर का स्टैक, जिसमें से मैं ये ब्लो शेड यूज़ करने वाली हूँ। ये पाउडर फॉर्म में आता है, सो आई एम यूजिंग अ रोज़ वाटर ऑन माय ब्रश। ठीक है, ब्रश पे यूज़ कर रही हूँ और ब्रश डिप करूँगी और मैं इनर कॉर्नर पे प्लेस कर दूँगी। बहुत इजी आई मेकअप है एंड बहुत अमेजिंग लगता है फॉर पार्टीज एंड ऑल। सो या इसलिए इसे कहा जाता है पॉप ऑफ कलर, यू नो। तो मैं इसे इनर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ, इनर कॉर्नर यानी अपर इनर कॉर्नर एंड लोअर इनर कॉर्नर बोथ। तो दोनों आइज पे इनर कॉर्नर पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से एंड आई एम प्लेसिंग इट ऑन द आउटर कॉर्नर एज वेल। आउटर कॉर्नर पे भी इसे यू नो प्लेस कर देंगे। और आपको मैं यहाँ पे ना एक फ्लैट ब्रश यूज़ करके ही कर रही हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो इट फ्लैट ब्रश के साथ, एंड आप आई शेडो के साथ भी कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको नियॉन पिगमेंट्स ही लगेंगे। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श एज ना रहे, वैसे तो नहीं थी बट या। अब मैं ना ग्लिटरी वर्ल्ड का ये रोज़ गोल्ड वाला ग्लिटर ले रही हूँ और मैं इसे इनर कॉर्नर में पॉप कर रही हूँ ताकि वो और उठ के दिखे। एंड आप चाहो तो आप हाइलाइटर भी कर सकते हो। बेस मेकअप देखना है तो डे 9 का मेकअप देख लेना। सो फाइनली इस तरीके से मेरा जो लुक है वो दिख रहा था, बहुत अमेजिंग है, बहुत यू नो एक अच्छा पॉप दे देता है एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। और इसके साथ मेरा बेस भी बहुत अच्छे से जा रहा है एंड इन रियल ये और ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बहुत ग्लैमरस सा दिखता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। सो गाइज, अगर आप चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, प्लस प्रोडक्ट के जितने भी लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। मेक श्योर करना कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस कर दो और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। सो गाइज, आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना। आप कोई भी कलर के साथ ट्राई कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना। टैग करना, मैं रिपोस्ट ज़रूर करूँगी एंड जितनी टैगिंग करोगे आपको पता है ना उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप टैग कर लो एंड फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे भी। अगर यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं नज़र रख रही हूँ काफ़ी सारी। तो जी हाँ, मैं आपसे मिलूँगी कल एक न्यू चैलेंज के साथ। तो चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे फिर से। टिल देन टेक केयर, बाय।